जी सोएब भाई माशाल्लाह 50 yard नजर भी आए ना, सोएब भाई माल परफेक्ट शॉट और ये। वो गिर गई माशाल्लाह। सोएब भाई जाएं एक और ना लगा दे, इधर से लगाएं फिर लोड कर ले। और माशाल्लाह सोएब भाई अब लेने जा रहे हैं, माशाल्लाह सोएब भाई लेने जा रहे हैं, गिर चुकी है। और सोएब भाई माशाल्लाह सोएब भाई ने रिट्राइव कर लिया है और जल्दी आए जी सोएब भाई, भाग के आए माशाल्लाह। बैग लिमिट हमारी पूरी हो चुकी है, अब चलते हैं इंशाल्लाह कुछ खाने पकाने का इंतजाम करते हैं। भाई ये जगह ठीक नहीं है वैसे, परफेक्ट है, नीचे चलते हैं। ठीक हो गया जी, चलते हैं माशाल्लाह। पानी खोलो मैं दरवाजा और सोएब भाई लॉक खोल ले, शीशे ऊपर कर दें, ऊपर ही है मेरे वाला तो ठीक है। चाबी मैं निकाल लूं, अभी सामान पीछे से निकालना। माशाल्लाह जी चंटर्स, और ये पीछे से सामान निकाल लें माशाल्लाह। ये सोएब भाई पीछे से मिट्टी देखे कैसे है, ये नहीं खुला बिल्कुल जी माशाल्लाह। ओए हो सोएब भाई ये बोतल का पानी गिरा हुआ है, चले एक गलती की है, चले ये पानी काम आएगा। तो गन को मेरा दिल है नीचे रखें कि गाड़ी के अंदर ही रख दे गन को। हाँ जी ये सीट के ऊपर रख दे, ठहरे मैं चीजें निकाल लेता हूँ। ये माउंट भी साइड पे करे, मैं ये उठा लूँ, हम अपना सास पैन उठा लें माशाल्लाह। सोएब भाई गन सीट पे रखें और नीचे आ जाए सिलेंडर लेके। सोएब भाई इधर है गोबर ही वैसे, चलें कोई बात नहीं, इधर बैठते हैं माशाल्लाह जी। बहुत प्यारा व्यू है माशाल्लाह, ये देखें इधर बैठ के जो हम थोड़ी सी कुकिंग करते हैं। ये सोएब भाई और क्या सामान रह गया यार, निकाल लिया। ये शिकार पकड़ लिया आपने, सिलेंडर पकड़ लें, पानी की बोतल भी हमें जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल में। कह रहे हैं अब ये उठाए ना, मैं नीचे से उसका वो उठाता हूँ चूल्हा भी। चले ठहरे दरवाजा बंद कर लें, ठहरू कर बोतल का पानी गिर गया ना तो पानी इधर इतना मुश्किल मिलेगा। आराम से आराम से। सोएब भाई ये पास ही गोबर भी है, चले कोई बात नहीं इधर रखें जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, ये ऐसे ये माशाल्लाह व्यू बहुत प्यारा हो गया। हम जो है वो शिकार साफ कर लें, साफ करने के बाद इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। जी दोस्तों फख्त हमने साफ कर ली है डब्स, और हम बोनलेस जो है वो गोश्त निकाल लिया अलहदा से, ये देखें हड्डी निकाल ली है। अब इनके जो है ये जो बाजू हैं वो उतारते हैं और फर्दर जो है वो काम करते हैं। जल्दी से मैं इनके बाजू जो है वो उतार लूँ, छुरी हमारे पास काफ़ी बड़े साइज़ की है तो जल्दी से जो है मैं ये कर लूँ। से इसे रखते जाते हैं साइड पे क्योंकि हमने इसका बनाना कीमा और उसमें जो है ये हड्डियाँ तंग करेंगी हमें। आज हम चपली कबाब खा रहे हैं इंशाल्लाह, चपली कबाब आपको बनाना सिखाएंगे और हम खाएंगे, आप देखिएगा। क्योंकि माशाल्लाह इन्हें रखते हैं जी साइड पे, इस कोने पे रख देते हैं और इनका जो है वो कीमा बनाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में पहले छोटी छोटी गोटियां कर लें।
जी दोस्तों, हमारा जो कीमा है वो हो चुका है। अब जो है वो प्याज काटते हैं, इसके साथ जो है वो मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह इसके दो पीस काट लूँ मैं और इसे रखते हैं जी साइड पे। जी दोस्तों, प्याज भी हमारा जो है वो कट चुका है, बारीक हो चुका है। अब जो है वो अपने जो हमारे शिकार का कीमा है उसके अंदर जो है वो मिक्स करते हैं और फिर जो है इसे एक दफ़ा जुटी लगाते हैं, इसे दोबारा इसका फिर एक दफ़ा जो है वो कीमा करते हैं अच्छी तरह से, ताकि प्याज और ये चीज़ें एक जैसी हो जाएँ। ठीक हो गया जी, तो ये कुछ मिक्स हो गए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर दोबारा बारीक करते हैं इसे। ये मिक्स हो चुके हैं इंशाल्लाह, अब करते हैं जिसका कीमा। हमारा वो भी काफ़ी ज़्यादा गया कीमा, तो कोई बात नहीं है। जी दोस्तों, आ गई जी हमारी सब्ज़ मिर्च, कीमा हमारा हो चुका है। तो इसके ऊपर ही काटते हैं हम इसे, क्योंकि इसके अंदर ही जो है वो मिक्स करनी है, बारीक काटते हैं ताकि अच्छी तरह से फिर जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। जी दोस्तों, टमाटर हमारा आ चुका है, उसने एंट्री मार दिया और इसे काटते हैं इसके अंदर। मेरे ख्याल में आधा डालना चाहिए सोहेब भाई हमें, आधे डालें, आधे डालें। तो इसे थोड़ा सा साइड पे ना कर लें, साइड पे करके पहले टमाटर काट लेते हैं जल्दी से माशाल्लाह, और इसे ऐसे करके। जी दोस्तों, इसमें गरम मसाला जो है वो डालते हैं माशाल्लाह, हवा बहुत तेज़ है। माशाल्लाह ये भी हो गया। अब इसमें डालते हैं जी नमक, कितना डाला जाए, काफ़ी है बस। चलें जी, ये हो गया नमक जी, नमक हो गया। अब इसे जी जल्दी से करते हैं मिक्स माशाल्लाह ऐसे करके। चलो अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लें इसे। जी दोस्तों, हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब चूल्हे पे आग जलाते हैं, ऊपर रखते हैं सॉस पैन और जो है वो इसे पकाते हैं जी। चलो जी दोस्तों, बटर डालते हैं इसमें, मक्खन, और चूल्हा नीचे जो है वो जल चुका है। बड़े ये बड़े करा, ठीक है। जी दोस्तों, इतने इतने जो है वो कबाब, उम्मीद है काफ़ी हो जाएंगे। तो इसे डालते हैं घी में। चलो चलो जल्दी जल्दी शोर बना के डालता हूँ मैं। ओ आई नहीं बुरा जी दोस्तों, हमारे जो है वो कबाब तो तकरीबन जो है वो 80% तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। मैं अभी साइड चेंज की है, तकरीबन 2 मिनट और रखते हैं इन ऊपर,
और फिर जो है वो उतारते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों ये तैयार हो चुके हैं, इन्हें उतारते हैं एक एक करके, तो उतर ही रखो। माशाल्लाह चेक करें, और हमारे पास बर्तन तो नहीं था लेकिन हमने सफरे के ऊपर ही जो है वो डाला। और मक्खन डालूं मैं जल्दी से? जी दोस्तों हमारे जो कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं, तो इनके ऊपर जो है वो लीमू डालते हैं अब। जी दोस्तों हमने लीमू जो है वो निचोड़ लिया, अब चेक करते हैं कि कैसा है। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अंदर से देखें बिल्कुल जो है वो पक चुका है। बिस्मिल्लाह, तो भाई यकीन करें मज़ा आ गया यार, क्या बताऊं दोस्तों आपको। आप ही बनाएं और दुआ में याद रखें, आप जब खाएंगे तो आप खाएंगे वाकई रेसिपी कमाल की थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, आप थोड़ी पेट पूजा कर लें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम।